सिर्फ साहब यही वाली बात जो आज हम कर रहे हैं, बांग्लादेश जीत तो गया आज 3 विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त हो गई और 9 ओवर्स पहले उन्होंने गेम जो है वो ख़त्म कर दिया आज बांग्लादेश ने कामयाबी के साथ। लेकिन आज जो एक जेर बहस रहा, जो जिस सबकी नज़र एक इशू पे रही और वो यही था कि एंजेलो मैथ्यूज़ को जिस तरह से आउट किया गया, टाइम आउट पर उनको जिस तरह से शकीबुल हसन ने एक अपील की और उनकी जो अपील थी वो उनके हक में साबित भी हुई फ़ायदा मंद कि उनको आउट कर दिया गया। ये आप समझते हैं कि ये बहुत अनफेयर था शकीबुल हसन की जानिब से ये रवैया, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनकी हमें दिखाई नहीं दी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उनका अगर हेलमेट का एक इशू था तो वो एक जेन्युइन इशू सबके सामने था। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही फरमाया आपने, गेम स्पिरिट के खिलाफ है और इस तरह की चीज़ें शकीबुल हसन जैसे बड़े खिलाड़ी और बड़े इंसान से जो है वो तवक्को नहीं की जाती उनसे, और उसके ऊपर अंपायर को और रेफरी को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एथिकली रॉन्ग आप इसको कह सकते हैं, लॉज के अंदर इस तरह की कोई चीज़ है नहीं या उतनी ज़्यादा वाजे नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन क्या फर्क पड़ा उसे, कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, रेपुटेशन ही खराब हुई बांग्लादेश की टीम की, वैसे भी हालत पतली है वर्ल्ड कप के अंदर और आंदा आने वाले दिनों में भी उनके साथ क्या हो रहा है, 2-3 1-2 मैचेस जो बाकी हैं वो सबको पता है। इस तरह की चीज करके आप अपने और अपने मुल्क के लिए कोई नाम रोशन नहीं कर रहे, ये मैसेज गया है पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक है। और एक आम इशू, जिस तरह से श्रीलंका परफॉर्म कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, उस पर भी सवालिया निशान लग चुका हुआ है, और श्रीलंकन जो वजीर खेल है उन्होंने पूरे बोर्ड को फारिग कर दिया है, इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ श्रीलंकन टीम पूरे बोर्ड को फारिग करके अब इस वक्त उन्होंने जो उनके 1996 के चैंपियन कप्तान थे उनको, राणा टुंगा साहब, उनको इस वक्त अबूरी चेयरमैन लगा दिया गया, किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को? ये बीच वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह की चीजें जो हैं वो टीम का मोराल डाउन करती हैं, मुल्क का नाम बदनाम करती हैं। यही बात मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से की थी कल के आपके प्रोग्राम में, और उससे पहले भी मैं कई चैनल्स पर ही बात कर चुका हूँ, ये वक्त नहीं है ये सब काम करने का। अगर इतनी ही बेएतबारी थी और अदम इत्मीनानी थी तो जब टीम सिलेक्ट हो रही थी, जब कप्तान बन रहे थे, जब टीम के लड़के पिक किए जा रहे थे, उस वक्त अपनी ये कारकर्दगी दिखाते, अपने उस वक्त की होशियारियां और हरकतें दिखाते। अब जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही और टीम आपके परचम लेकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, आप इस तरह के ड्रास्टिक एक्शन लेकर के क्या मैसेज दे रहे हैं ड्रेसिंग रूम को? ये गलत है, बहुत गलत है। यही कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, यही कुछ वहां हो रहा है। माने क्रिकेटर्स हैं वो बैठ करके बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए इस तरह की बेवकूफी की उजलत में चीजें की जाती हैं जिसकी हरगिज कोई जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।